गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ क्लासेस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, परंतु ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और किस प्रकार कंट्रोल करते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है कौन से हार्मोन्स निकलते हैं गेस्ट अपने एलिमेंट्री कैनाल से और उनका क्या कार्य है। तो मुख्य जो एलिमेंट्री कैनाल से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, पहला है गैस्ट्रिन। ये निकलता है आमाशय में प्रोटीन की उपस्थिति से। और जब स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब ये इसका सिक्रीशन बंद हो जाता है। इसका जो कार्य है ये HCl और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी और ईलियल मोटिलिटी को बढ़ाता है, इलियोसीकल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और कोलोन के अंदर मूवमेंट्स को इंड्यूस करता है। दूसरा हार्मोन है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन को की सिक्रीशन के लिए चाहिए ड्यूडिनम के अंदर एसिड की उपस्थिति। जब ड्यूडिनम में स्टोमक से एसिड आता है तो ये सिक्रीटिन की को रिलीज करने में मदद करता है। सिक्रीटिन का कार्य है ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को या खाली होने को आमाशय को रोकता है, जिससे कि एसिड ड्यूडिनम में नहीं आ सके। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है। पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक जो वाहिनियाँ होती है उनके सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये दूसरे हार्मोन के साथ में एक्सोक्राइन पेनक्रियास को प्रेरित करता है। तीसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका कार्य है ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन को प्रेरित करता है। ये पेनक्रियास के एसिनर सेल्स को पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। ये गाल ब्लैडर के जो स्फिंक्टर है या अवरोधनी जिसको कहते हैं उसको रिलैक्स करने का कार्य करता है। दूसरे हार्मोन्स हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ये है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का मैकेनिज्म, जिसमें सिफेलिक फेज होता है, गैस्ट्रिक फेज होता है। पहले फेज में जब भोजन आमाशय में आता है सिफेलिक फेज में, जिसके अंदर भोजन को देखना, सूंघना, चबाना और निगलना, इससे जो जी सेल्स होते हैं आमाशय में ये एसिटाइल कोलिन के द्वारा गैस्ट्रिन को प्रेरित करते हैं, जिससे कि आमाशय की गैस्ट्रिक और जी सेल्स और पैरेटल सेल्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन करते हैं। आमाशय में ईसीएल सेल्स भी होते हैं जो स्टेमिन का सिक्रीशन करते हैं। ये स्टेमिन भी एचसीएल के स्त्रावण को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक फेज में भी जब प्रोटीन्स होती हैं आमाशय में तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। जब बॉडी आमाशय के बॉडी में आ जाते हैं प्रोटीन्स तब भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है। जब ड्यूओडेनम में चला जाता है तो जो आमाशय के डी सेल्स होते हैं जो सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन रुक जाता है, बंद हो जाता है। ये सोमेटोस्टेटिन पैरेटल सेल्स, जी सेल्स और ईसीएल सेल्स को नेगेटिवली कंट्रोल करते हैं, जिससे कि गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं निकलता है। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन का हार्मोनल कंट्रोल है। जब एसिड ड्यूडिनम में आता है तो सिक्रीटिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये ब्लड के द्वारा पेनक्रियाटिक डक्ट और सेल्स के द्वारा निकलता है। इसका सिक्रीशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ड्यूडिनम में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है।
और प्रोटीन जो ड्यूडिनम में आती हैं वो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो कि पेनक्रेटिक सेल्स को पेनक्रेटिक एंजाइम्स के लिए सिक्रीशन के लिए प्रेरित करता है। ये प्रोटीन और फैट के डाइजेशन को कंट्रोल करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्ट्रक्चर 17 अमीनो एसिड्स होते हैं सेक्रेटिन के अंदर, 14 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अलावा भी दूसरे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ये इंसुलिन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। वासो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड भी होता है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बंद करता है। न्यूरोटेंसिन ये पेनक्रेटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बंद करता है। दूसरा होता है पेप्टाइड वाई वाई, ये पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को बंद करता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी बंद करता है। एक सब्सटेंस पी भी होता है जो कि इंटेस्टाइन की स्मूथ पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। सोमेटोस्टेटिन बता ही दिया है आपको, आमाशय के डी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है और ये गैस्ट्रिन को रोकता है, सिक्रीशन को रोकता है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये कई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स के रिलीज को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है मोटिलिन, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी और आमाशय से भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है ग्रिलिन, ये मल्टी फंक्शनल पेप्टाइड है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है। दूसरे जो हार्मोन्स भी मिले हैं वो हैं यूरो गैस्ट्रॉन, विलाइकानिन, एनकेफेलिन्स और हार्मोन्स इन मिल्क। गैस्ट्रिन एस्टाइनकोलिन और हिस्टामिन सब दो मिलकर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को नियंत्रित करते हैं। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन एक्सोक्राइन पेनक्रेटिक सिक्रीशन को मिलकर कंट्रोल करते हैं।